हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ सबसे बड़ा और सबसे सस्ता टर्म प्लान। दोस्तों, आज के समय में हम सभी लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कदम हजारों रिस्क लेकर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं कि अपनी फैमिली और अपने बाल बच्चों की सुख सुविधा के लिए हम रोज कोसों मीलों चलकर हजारों रिस्क उठाकर क्या कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में आपको रिस्क कवर देता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो फ्रेंड्स, मैं कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुमार जीबीटी में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, आपको मैं बताता हूँ कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो फ्रेंड्स, जवाब ये है कि गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग जो बड़े बीमा प्लान लेने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सरकार ने सस्ते प्रीमियम वाली दो स्कीमें चला रही हैं। यही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम PMSBY PMJJBY भी कहते हैं। आज के वक्त में व्यक्ति का बीमा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ज़्यादा प्रीमियम के चलते या गरीब के बजट में नहीं आ पाता। अब गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी बीमा का लाभ मिल सके, इसीलिए ये दोनों स्कीम चलाई गई हैं। दोनों स्कीम में कुल मिलाकर 4 लाख रुपए तक का बीमा है। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कुल मिलाकर 330 प्लस 12 रुपये 342 रुपये साल के देने पड़ेंगे। यह किस्त साल के मई माह में आपके बैंक अकाउंट से लिया जाता है, और अगर आपका बैंक अकाउंट ज्वाइंट है तो अकाउंट के दोनों होल्डर को अलग अलग प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इन दोनों योजनाओं में निवेश करने की कोई सुविधा नहीं है और ना ही धन वापसी का कोई प्रावधान है। कहने का मतलब, जो भी पैसा आपके खाते से कटा है वो वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक टर्म प्लान है। अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से दोनों योजनाओं को साथ साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि इसमें क्या फ़ायदा है और दोनों में क्या क्या नियम और शर्तें हैं। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों स्कीम के चार्ट पे आ गया हूँ, और मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा जीवन ज्योति बीमा योजना और फिर दूसरे नंबर पर सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पर इस योजना का प्रीमियम 330 रुपये है। यहाँ पर आपको साल में 330 रुपये देने होंगे जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ है सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पर इस योजना के लिए आपको 12 रुपये एक साल के देने पड़ेंगे, मतलब 1 रुपया पर मंथ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। जीवन ज्योति बीमा योजना में, इस योजना में 18 साल से 50 वर्ष तक के ही लोग शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है 330 रुपये वाले में, इसमें आप 18 से 50 वर्ष तक के लोग ही शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे है सुरक्षा बीमा योजना दूसरे नंबर पे, यहाँ पे इस योजना में 18 साल से 70 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे 18 से 70 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं प्लान में, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जीवन ज्योति बीमा योजना पे तीसरे नंबर पे। इस योजना में 2 लाख रुपए का बीमा रिस्क कवर होता है। कहने का मतलब, जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए वाले में 2 लाख रुपए का बीमा रिस्क कवर होता है। और यहाँ पे आ जाता हूँ सुरक्षा बीमा योजना पे तीसरे नंबर पे। यहाँ पे फ्रेंड्स, इस योजना में भी 2 लाख रुपए का बीमा रिस्क कवर होता है। यहाँ पे दोनों सेम सेम है, 2 लाख रुपए का यहाँ पे मिलने वाला है और 2 लाख रुपए का बीमा रिस्क वहाँ पे भी मिलने वाला है, दोनों प्लान में। ओके, मैं जीवन ज्योति बीमा योजना के चौथे नंबर पे आ जाता हूँ। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर, कहने का मतलब बीमा धारक की मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए क्लेम मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर है सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल दुर्घटना से मृत्यु होने पर ही बीमा लागू होगा। कहने का मतलब, यहाँ पे 330 वाले में है कि किसी भी कारण से मृत्यु होगी तब जो है बीमा रिस्क कवर होता है, ठीक है।
और यहाँ पे होता है सुरक्षा बीमा में एक्सीडेंटल मृत्यु, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर यहाँ पे आप दावा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं जीवन ज्योति बीमा योजना के पांचवें पॉइंट पे आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ गौर समझिएगा, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना में जीवित रहने की दशा में कोई क्लेम देय नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जीवित, अगर बीमा धारक जीवित है, चोट चपेट उसको लगी है, ठीक है, अगर जीवित बच गया तो उसको कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये वाले में कि संपूर्ण अपंगता होने पर 2 लाख रुपये, ठीक है। अगर कहने का मतलब दो आँख, दो हाथ, दो पैर, इनमें से कोई भी एक अंग अगर पूरी तरह से नाकाम हो जाता है दोनों, तो उसको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर एक अंग पूरी तरह से नाकाम होता है, अगर एक अंग पूरी तरह से नाकाम होता है तो उसे 1 लाख रुपये दिया जाएगा। कहने मतलब अगर दोनों अगर डिसेबल होता है तो 2 लाख रुपये दिया जाएगा, अगर एक अंग उसका डिसेबल होता है तो वहाँ पे 1 लाख रुपये दिए जाएगा क्लेम। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि यह प्लान आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने होम शाखा पे जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है आप वहाँ जा सकते हैं, और अपने बैंक के BC पॉइंट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपको कहीं नहीं जाना तो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पे इनरोल कर दीजिए स्कीम। यहाँ पे लास्ट पॉइंट एक और आता है कि क्लेम के लिए किससे मिले, कहाँ जाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जवाब है, क्लेम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने सीधा होम शाखा पे जाकर संपूर्ण कागजात प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं करना तो दोस्तों डिसलाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।